गारेज किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारेज किचन। आज मैं चने की भाजी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, चने की भाजी है, ये ठंडी के सीजन में ही मिलती है। इसको मैंने साफ करके लिया, इस तरह से कवले कवले डंडिया लेंगे। देखो ये इस तरह से होती है भाजी, इसको इस तरह ऐसे पत्ते निकाल के लेंगे। अरे जो ऊपर कवली रहती है वो लेंगे भाजी बनाने के लिए, ऐसा निकाल कर। ये डंडी से जो जाड़ी मोटी रहती है, ये जून रहती है, इसको नहीं लेंगे, इसको फेंक देंगे। इस तरह से मैंने साफ करके दिया है। और ये किलो पे मिलती है, ये पाव किलो है। और एक क्वाटी नारियल है गिला पिसा हुआ, नमक टेस्ट के हिसाब से, दो बड़े प्याज और हरी मिर्ची। अभी हम भाजी बनाने की तैयारी करते हैं। ये 3 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है डेक्ची में, गर्म हो चुका है तेल। अब मैं इसमें मिर्ची और प्याज ऐड करूंगा। इसको प्याज थोड़ा ज्यादा लगता है, भाजी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, लगती है। प्याज को हल्का नरम करके लेंगे और इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक कम ही डालेंगे, भाजी ज्यादा दिखती है पकने के बाद, फिर थोड़ी हो जाती है। प्याज को नरम होने के बाद फिर हम इसमें भाजी ऐड करेंगे। देखिए प्याज हो चुका है, इतना ही नरम करेंगे, हल्का गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें भाजी ऐड करूंगी। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसको मिक्स करके लेंगे और 2 मिनट तक ढक्कन डालकर इसको रखेंगे। देखिए चने की भाजी हमारी पक चुकी है, इसको लो फ्लेम पर रखकर ही पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, ये दम में ही बनती है। अब मैं इसमें नारियल की चूर ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे और इसको फिर 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए रखूंगी दम पे, लो फ्लेम पे। देखिए चने की भाजी बनके तैयार है। अब मैं गैस बंद करूंगी और सर्व करूंगी। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म चने की भाजी बनके तैयार है। इसको रोटी के साथ खाते हैं, चावल की रोटी, गेहूं की रोटी, कोई भी रोटी के साथ ये अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।